Spirit of Headlines is brought to you by Hollister Fitness Gym. नमस्कार, स्पिरिट ऑफ हेडलाइंस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए तीनों आतंकी आतंकवादी संगठन अंसार गजवा उल हिंद के हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तरार इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकवादियों की पहचान हो गई है, जिनमें जंजीर रफीक वानी, राजा उमर मकबूल भट्ट और उजैर अमीन भट्ट शामिल है। तीनों आतंकी आतंकवादी संगठन अंसार गजवा उल हिंद के हैं। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ देर रात शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच काफी देर तक फायरिंग चलती रही। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार थे, जिससे कि वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा कारणों से पंचायत उपचुनाव को सरकार ने अधिसूचना जारी होने के 5 दिन बाद ही स्थगित कर दिया है। राज्य के गृह विभाग की सलाह पर चुनाव स्थगित करने का फैसला किया गया है। 13 फरवरी को 8 चरणों में उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की गई थी। पहले 2 चरण के लिए अधिसूचना जारी भी हो गई है। मंगलवार को CEO शैलेंद्र कुमार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सुरक्षा के हालात ठीक करने का मुद्दा उठाया था। देर शाम CEO की ओर से चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि राज्य के गृह विभाग ने 18 फरवरी को पत्र भेजकर सलाह दी कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर चुनाव स्थगित करना ही बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी के घर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक घर में नौकर के रूप में काम करता था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिराजुद्दीन गनी को कल शाम गिलानी के घर के बाहर से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए एक पुलिस थाने ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि पुलवामा जिले के तराल के रहने वाले गनी पर सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के वीडियो प्रसारित करने का संदेह है। पुलिस अधिकारियों ने गनी की हिरासत पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। वेलकम टू हॉलिस्टर फिटनेस जिम, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर F। लेट्स टेक अ स्टेप टुवर्ड्स अवर फिटनेस। 3 डेज फ्री ट्रायल, कम एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस एट 94191-59386, 600-55-89243। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उसकी कोशिश है कि दूर दराज गाँव के छात्रों को घर के करीब ही उच्च शिक्षा हासिल हो सके, उन्हें लंबी दूरी तय कर शहर तक ना आना पड़े। इसी के तहत कई नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर में खोले गए 52 डिग्री कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने से लेकर इमारतें तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। हर जिले में नए कॉलेज खोलकर सरकार ने दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इस समय पहले से स्थापित कॉलेजों में नए कॉलेजों की कक्षाएं लग रही हैं और विषय भी सीमित हैं। सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स के विषय ही पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अकेडमिक सत्र 2020-21 में नए विषय शुरू होंगे। कूटनीतिक व सामरिक तौर पर जम्मू कश्मीर की अपनी चुनौतियां हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे में जम्मू कश्मीर में अलग से थिएटर कमान की स्थापना पाकिस्तान ही नहीं चीन की तरफ से आने वाली चुनौतियों से निपटने में अहम होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सटे दोनों पड़ोसी देश अतीत में भी देश के लिए कई तरह की चुनौतियां पैदा करते रहे हैं। कारगिल युद्ध के बाद से भारतीय सेना पहाड़ों पर युद्ध के लिए निरंतर तैयार हो रही है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वायुसेना की भी चुनौतियां मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग रहती है। थिएटर कमान में सशस्त्र सेनाओं के सभी अंगों का एक साथ प्रशिक्षण होगा और उन्हें युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में दक्ष बनाया जाएगा। फर्जी स्टेट सब्जेक्ट के सहारे जम्मू कश्मीर का वाशिंदा बनकर सरकारी लाभ लेने के मामले भी सामने आने लगे हैं। क्राइम ब्रांच ने मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी ने न केवल फर्जी स्टेट सब्जेक्ट बनवाया बल्कि इसी आधार पर सरकार से 5.5 लाख रुपए का मुआवजा भी ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच आगे की जाँच कर रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्पिरिट न्यूज।